हैं, अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, श्मीट अभिक्रिया। ये यूनिट 14 में भी है और 13 में भी है। ठीक, तो श्मीट अभिक्रिया क्या है, कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं, तो एक तो आता है इसमें कौन सा, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोजोइक अम्ल, किसकी उपस्थिति में होता है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है क्रिया, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो एक तो इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। ठीक, ये ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा, ये लिया अपने में कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3H। ठीक, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, किसकी उपस्थिति में होता है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो क्या होगी, देखो अब यहाँ से एक तो सबसे बड़ा लिविंग ग्रुप कौन सा है इसमें, तो नाइट्रोजन होता है, तो सबसे पहले सांद्र H2SO4 की क्रिया होती है, तो क्या बाहर हुआ है, N2 बाहर हो जाता है। N2 क्यों बाहर होता है, क्योंकि N2 जो है अपने पास सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जल्दी जो ग्रुप बाहर निकलता है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है, तो यहाँ से N2 बाहर हो गई। अब यहाँ पे बचा CH3। ठीक, ये जो COO है ये कौन सा है, ये भी गैसियस फॉर्म में कौन सा है, CO2, तो यहाँ पर CO2 भी बाहर हो जाती है, बचा क्या, CH3, एक H और एक N, क्या बन रहा है इससे, तो CH3NH2, इसको थोड़ा सा ओपन करके करते हैं अपन, CH3COOH प्लस N2NH, अरे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, तो ये बाहर हुआ। ठीक, ये N2 बाहर कर दिया, सेकंड ये वाली जो गैस से रूप में बाहर हो गई, ये CO2 बाहर कर दिया, बचा गया अपने पास CH3NH2, तो क्या हो जाएगा, ये CH3NH2 प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बन रहा है अपने पास। ठीक, 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ देखते हैं अपन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, इसमें 2 कार्बन उपस्थित हैं, और यहाँ पर कार्बन कितना लिया, 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन क्या हो जाता है इसमें, कम हो जाता है, जो भी इसके पेरेंटल कंपाउंड जो होता है, जो मेन कंपाउंड होता है वो, उसमें से 1 कार्बन कम वाला अपने को उत्पाद प्राप्त होता है, यानी यहाँ डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम की संख्या कम करनी हो तो कौन से अभिक्रिया का यूज़ करते हैं अपन, श्मिट अभिक्रिया का यूज़ करते हैं। कैसे बोलेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या अपने पेरेंटल यौगिक से 1 कम हो जाती है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, श्मिट अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।